नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी मानसु लामक साहब। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव नांगल सिरोही में, और यहां पर संस्था द्वारा एक स्कॉलरशिप कहें या फिर टैलेंट एग्जाम का आयोजन किया गया था 9वीं से 11वीं कक्षा के लिए, 9वीं 10वीं 11वीं के लिए। काफ़ी बच्चों ने भाग लिया, नांगल सिरोही से आसपास के नज़दीक के गाँव के बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने भाग लिया। एक एग्जाम का आयोजन किया गया ताकि गाँव की ग्रामीण परिवेश में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको निखारा जा सके, शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया जा सके, मोटिवेट किया जा सके। तो अभी हम अंदर मौजूद है जहाँ पर जो एग्जाम हो चुका है स्कॉलरशिप का, उसकी चेकिंग हो रही है, और फिर उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है वो भी किया जाएगा। देख लीजिए सभी अध्यापकगण किस प्रकार चेकिंग जो चल रही है, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या इस एग्जाम में कैटेगरी वगैरह रखी गई हैं और किस प्रकार ये चेकिंग करें। जी, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र है। अभी आप एग्जाम की चेकिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले जान पाए क्या कुछ कैटेगरी रखी गई, किस प्रकार? हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी में एग्जाम लिया है, एक 9th क्लास के लिए, एक 10th क्लास के लिए और एक +1 क्लास के लिए। और तीनों कैटेगरी में अलग अलग से हमने सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, साइंस के सभी क्वेश्चन डाले गए हैं। और ये जितने भी प्रतिभागी थे वो एग्जाम दे चुके हैं, अभी उनकी बड़ी पारदर्शिता से ये चेकिंग चली हुई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे से। तो जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग होगा? हाँ, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो है राव कंवर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग रखा गया है। जो +1 में जो फर्स्ट आएगा उसके लिए अलग है, सेकंड के लिए अलग है, ऐसे 10th के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए अलग है, और 9th के लिए भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए अलग है। 9th, 10th, +1 के लिए 3 अलग अलग प्राइजेज हैं हमारे पास। जी, आपका क्या नाम, आप बताइए। मेरा नाम रिंकू यादव है। हाँ सर, तो पेपर चेकिंग हुई है, कोई ऐसा तो नहीं है कोई अपना चाहता, कोई अपना जानकार उसका? ऐसा कोई है नहीं कि सभी जो सारे एक टीचर जो बुला रखे हैं यहाँ गाँव के, जो मान्यवर जितने भी बैठे हैं, ये सभी अपने अपना काम तसल्ली बख्श कर रहे हैं, किसी की कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। बिल्कुल फेयर होगा? हाँ बिल्कुल फेयर होगा सर, जो होगा वो सभी बच्चों के साथ। हाँ सभी बच्चों के साथ। जी, इमानसलामा दिखा दीजिए एक बार, सभी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जो भी कार्य होगा वो कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से चेकिंग होगी और कोई भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो हमारा नियम है उसी हिसाब से चेकिंग होगी। सभी चेकिंग कर रहे हैं और कुछ समय बाद चेकिंग के बाद सभी को जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग होगी उस हिसाब से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। तो अभी बात चलते हैं और लोगों से बातचीत करवाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया, जिन बच्चों की फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के लोग मौजूद हैं और संस्था के लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस एग्जाम का आयोजन किया था, इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे क्यों इस एग्जाम का आयोजन किया गया था, और जो बच्चे जिनकी रैंक आया है, जिनकी पोजिशन है, उनसे बातचीत करेंगे कैसा महसूस करें। सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मैं यशवंत सिंह, गाँव नांगल सिरोही से, मैथ्स का अध्यापक हूँ, गणित अध्यापक। कितने समय से आप जो अपना अध्यापन कार्य कर? मैं 11 साल से इस फील्ड में हूँ, इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में ही। तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम था, क्यों आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? सर, मेरे फादर जो हैं उनकी याद में मैं ये एग्ज़ाम यहाँ गांव में करवाया है, और इसका मेन मोटिव है कि मैं शिक्षा को यहाँ गांव में बढ़ावा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ हर बच्चा मेहनत करे, कोशिश करे, और एक इन्वायरमेंट जो है गाँव में ऐसा बने एजुकेशन का कि हर बच्चा ये सोचे कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे बनना है कुछ, तो इस तरीके की सोच जो है मेरे गांव में सभी बच्चों की डेवलप हो, मैं इसके लिए ऐसे इवेंट करना चाहता हूँ, और मैं बार बार ऐसे इवेंट करना चाहूँगा सर। जी, तो सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा, क्योंकि बच्चों की जानने की इच्छुक हैं, जिन बच्चों की पोजीशन आ गई वो तो खुश हैं, इसके अलावा जिन बच्चों की पोजीशन नहीं आई, जो प्राइज नहीं जीत पाए, वो ये जानने की इच्छुक है कि कितनी जल्दी आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, 12 महीने में या 6 महीने में या 3 महीने में, कितनी? Within 12 months जो है सर, हम बिल्कुल ज़रूर एग्ज़ाम करवाएंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम भी Within 12 months होगा, एक साल के अंदर, ये समझिए आप 1 ईयर के अंतराल में रेगुलर हम एग्ज़ाम करवाने की कोशिश करेंगे, और इसी तरीके से करवाएंगे। आज की तरीके से ही बड़ा अच्छे माहौल मिला और प्राइजेस भी दिए सभी बच्चों को, मोटिवेशन के लिए हमने प्राइजेस दिए हैं, कोई भी बच्चा, सिंगल बच्चा भी हमने छोड़ा नहीं है, सभी बच्चों को नोटबुक से लेकर और साइकिल तक की प्राइजेस जो हैं वो दी हैं, और मुझे आशा है, नहीं विश्वास भी पूरा है, आशा भी है इन बच्चों से कि नेक्स्ट ईयर जो है ये और अच्छे तरीके से, अब की बार 60 मार्क्स का पेपर था तो जो टॉपर्स हैं वो 50 के आसपास पहुँच रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर जैसे ही एग्ज़ाम हो
तो बच्चे 60 में से 60 भी लें और बहुत एक अच्छे धमाकेदार जो है परफॉर्मेंस बच्चों की हो, मैं ये आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए बच्चों से। जिन बच्चों की पोजीशन नहीं आई उनको क्या कहना चाहेंगे, वो निराश हो जाएं? नहीं जी, बिल्कुल निराश ना हो, ये इवेंट होते रहते हैं, आगे भी होते रहेंगे, जल्द ही हम एक क्विज कॉम्पिटिशन भी लेने लाने वाले हैं गाँव में, तो उसमें प्रयास करें और नेक्स्ट ईयर फिर इस एग्ज़ाम में प्रयास करें, मेहनत करते रहें, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, एक ना एक दिन रिजल्ट लेकर आती है। तो सुनने में आया आप अपनी कोचिंग भी चलाते? नहीं सर, कोचिंग का ऐसा है कि जो मैं गांव में ट्यूशन क्लासेस जो हैं वो मैं फ्री में ही ऑर्गेनाइज करवाता हूं, और बस मेरा एक ही मोटिव है कि मैं चाहता हूं कि बच्चे आगे बढ़ें, किसी भी तरीके से आगे बढ़ें, तो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं मैं उनको फ्री में ट्यूशन क्लासेस देता हूँ। हमारा पूछने का उद्देश्य ये था क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो इस तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं ताकि अपने इंस्टीट्यूट की तरफ बच्चों को लुभा सकें, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी वही कर रहे हो? नहीं, ये हमारा उद्देश्य? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं है ऐसा, मैं अपने पिताजी की याद में और ये एग्ज़ाम करवाया है, और मैं रियली मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे गाँव के बच्चे जो है ना ऐसा करें जो पूरे देश में किसी बच्चे ने ना किया हो। किस 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 चीज़ की आप बच्चों को देते हैं कोचिंग? मुफ्त में देते हैं? मैं मैथ्स क्लासेस देता हूं, मेरे पास हाँ मैथ्स की क्लासेस हैं, 11th 12th की मैथ्स क्लासेस मैं देता हूं। बाकी मैं चाहता यही हूं कि मेरे गांव के बच्चे अच्छा करें, आगे बढ़ें शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र एक माहौल बन जाए सर। एक माहौल बनने के बाद क्या होता है कि बच्चे अपने आप ऑटोमेटिक मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए, और मेहनत करते हैं तो देखो ऑब्वियस बात है जब मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है। तो वही है कि एक लगन बने बच्चों में, उस तरीका के एक मोटिवेशन आए बच्चों में, तो उस मोटिवेशन के प्रयास में एक छोटा सा कदम है सर, और ये मेरे सभी साथियों के सहयोग से, और मेरा इंडिविजुअल कुछ नहीं है, मेरे सभी साथी मेरे सारे ग्रामवासियों के सहयोग से ये प्रोग्राम जो है, समस्त ग्राम के सहयोग से ये प्रोग्राम जो है संपन्न हुआ है। हमारे साथ यशवंत जी मौजूद हैं, इनके द्वारा इनके पूरे ग्रुप के द्वारा आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, बच्चों को प्राइज भी दिए गए हैं। इसके अलावा मंसूला में घुमा के दिखा दीजिए, अभी भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और जिन बच्चों के पोजीशन आई है उन बच्चों से बातचीत कराएंगे, उनके परिजन भी हमारे साथ मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करवाएंगे, तो सबसे पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम लक्षिका गुप्ता, मैं नारनौल से हूँ और मैं क्लास 10th में हूँ। पिछले एग्जाम देने के लिए? हाँ। तो फर्स्ट पोजीशन आए? हाँ जी। हाँ, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उससे प्रोत्साहन मिलता है आगे और भी एग्ज़ाम्स क्लियर करने का। तो साइकिल जीत ली। और बच्चे जो रह गए उनको क्या? आप भी ट्राई करते रहो एक दिन। ज़रूर है, आप इसी तरीके से साइकिल के पास। हाँ जी जी। तो आपका क्या नाम? माय नेम इज़ हनी, आई एम फ्रॉम नांगल सिरोही। तो कौन सी कक्षा में आपकी? कौन सी? 9th में फर्स्ट पोजीशन। तो आपने भी साइकिल जीत ली? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने पेरेंट्स को और जिन्होंने आज कार्यक्रम का आयोजन किया उनको क्या कहना? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा रोज हमेशा करते रहें। कितनी जल्दी चाहते हैं कि अगला कार्यक्रम? अभी 6 या 12 मंथ्स में हो जाए बस। आप ये नहीं चाहते भाई एक महीने में? एक महीने में हो जाए तो और भी अच्छी बात है। और भी अच्छा है। कहेंगे पूरे इनके ग्रुप से जल्दी बच्चों के लिए दोबारा इस तरीके का एग्जाम का आयोजन किया जाए ताकि बच्चे दोबारा से पार्टिसिपेट करें और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। जी क्या नाम? पंकज यादव। तो पूरे दिन आज आपने मंच संचालन किया, कैसा लग रहा है कार्यक्रम? जी बहुत ही शानदार ये फंक्शन रहा आज का, और पूरा पारदर्शिता के साथ ये पूरा परीक्षा रहा जिसमें 11 लोगों की टीम ने परीक्षा को जांचा और फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, और देखिए लांबा जी यहाँ से कोई बच्चा खाली हाथ नहीं गया है, वो दो चीज़ अपने साथ लेके गया है, एक तो कुछ ना कुछ इनाम लेके गया है, नोटबुक हो या पेन हो, और सेकंड यहाँ से सीख लेके गया है कि मैं अगली बार जब भी यहाँ आऊँगा तो फर्स्ट पोजीशन मेरी होगी। तो इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, तराशने की जरूरत है। और भाई यशवंत जी की एक शानदार पहल है जिसने निस्वार्थ भावना से इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराया है, और ये परीक्षाएं हर साल क्रम दर क्रम बड़े लेवल पर आयोजित होती रहेगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इनामों की संख्या भी ज़्यादा होगी, प्रतिभाओं की संख्या और अधिक होगी, और हम लगातार ही इस क्षेत्र में काम करते रहेंगे। इनाम भी कुछ ना कुछ और बड़ी हो? बिल्कुल बड़ी होंगी सर जी सर, और एग्जाम का लेवल भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बढ़ता जाएगा, और सर की टैगलाइन ही मेरे को यहाँ तक खींच लाई,
जो लिखा हुआ है, मेरा देश मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव, समाज की ओर एक नए हित कदम की ओर, गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा की बात हो, स्कॉलरशिप एग्जाम्स की बात हो, तो मैं यशवंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने शानदार परीक्षा का आयोजन किया, और उनकी पूरी टीम का जो दिन रात मेहनत करके और बहुत ही कम समय में और इस ख़राब मौसम में इस शानदार प्रतियोगिता का आयोजन किया। और लांबा जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल में यहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद सर। ये खास बात है यहाँ पे, क्योंकि जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया है, सभी को चाहे वो पेन या कॉपी जरूर मिला हो, लेकिन ये भी कहना चाहेंगे कलम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, आज के समय में शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता, सभी बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। आपका क्या नाम है? पारस। कौन सी कक्षा में है और कौन सी? 11th। फर्स्ट पोजिशन। तो आपने भी साइकिल जीत ली, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे साथ जो फर्स्ट बच्चे आए वो मौजूद हैं तीनों, 9th, 10th और +1 यानी 11th कक्षा के, जिन्होंने साइकिल जीती। इसके अलावा सेकंड पोजीशन के बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पेरेंट्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो ये गुड़िया के अभिभावक मौजूद हैं हमारे साथ। जी क्या नाम है? आशुतोष गुप्ता, नारनौल से। नारनौल से, हाँ जी। तो गुप्ता जी, आपकी गुड़िया ने साइकिल जीत ली, फर्स्ट पोजीशन है, कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, और जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माँ बाप को तो खुशी होती है। जी जी जी, आपका क्या नाम है? अंजू गुप्ता। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो इतनी दूर स्पेशल अपनी गुड़िया को एग्जाम के लिए लेके? जी बिल्कुल, पार्टिसिपेट करवाने के लिए। तो कहीं ये नहीं लगा भाई छोटा मोटा एग्जाम है, कहाँ क्यों क्यों तंग हुई इतनी दूर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगा। हम हर एग्जाम दिलवाते हैं गुड़िया से, जो भी टैलेंट हंट के एग्जाम होते हैं सारे दिलवाते हैं। छोटा बड़ा नहीं होता, मतलब पार्टिसिपेट जरूरी है। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले। हाँ जी, एग्जाम कभी भी छोटे बड़े नहीं होते, एग्जाम को हमेशा प्रतियोगिता समझ के हमें लेना चाहिए। एग्ज़ाम देने से बच्चों के अंदर प्रतिभा बढ़ती है, और इस तरीके के जैसे यशवंत सर ने ये एग्ज़ाम करवाया, बड़ी खुशी है जब ये इस तरीके के टैलेंट हंट प्रोग्राम होते हैं, उसमें बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। और एक आज के दिन कंपटीशन है हर लाइन में, तो बच्चों को भी कंपटीशन के अंदर रहना चाहिए, और कंपटीशन जब वो करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको और आगे बढ़ने का मौका मिलता रहता है। तो कहीं ना कहीं लगता है इनका जो ग्रुप है यशवंत जी का जी, अच्छा काम कर रहा है? हाँ जी, यशवंत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्होंने काम किया है। हम नारनौल से आए हैं एग्ज़ाम देने, गुड़िया को लेके आया था मैं, और इन्होंने इतने कम समय में, सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद इन्होंने इनको रिजल्ट्स भी दे दिए बच्चों को, ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा बहुत सी जगह क्या होता है कि बहुत दिन लग जाते हैं रिजल्ट आने में, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ की आशंका भी रहती है। शायद मैं ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हो सकता है, सोच भी सकते हैं ऐसा। देखा जाता है अक्सर, कई बार बच्चे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं एग्जाम रिजल्ट आने के बाद, भाई हमारे साथ ये होना था, ये गलत हो गया। मैं इसीलिए मैं यशवंत सर टीम को बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। बच्चे हमारे साथ मौजूद है, आपका क्या नाम? रौनक। रौनक, आपका क्या नाम? गौतम। आपने डांस किया था, अच्छा डांस किया था, तो मजा आया डांस करके? यस। और साथियों ने क्या कहा, कैसा डांस किया? अच्छा किया। तो एग्जाम दिया है, कैसा लगा एग्जाम देके? अच्छा लगा। अच्छा लगा, तो रैंक नहीं आई, तो अगली बार पक्की रैंक आएगी? यस। कन्फर्म 100% वादा करते हैं? हाँ यस। और मेहनत करेंगे। आपका क्या नाम बताया? रौनक। तो आपकी पोजीशन भी नहीं आई? यस सर। अगली बार आएगी? यस सर। पक्की? कन्फर्म। तो इनका डांस देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। जी कहाँ से आए हैं? नांगल सिरोही से। नांगल सिरोही। यस। तो एग्जाम देखा, बच्चों ने एग्जाम दिया, तो कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। तो यशवंत जी और उनका पूरा साथी जो उनकी टीम थी, क्या कहेंगे इन रणजीतों जो? मैं यशवंत जी की टीम का, पहले तो आपको बता दूं यशवंत जी की टीम का एक मेंबर हूं, और अच्छा आप भी टीम के मेंबर हैं? जी जी, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन एज ए पोस्ट दिल्ली मेरी पोस्टिंग है। यशवंत जी ने, इनका मेरे पास फ़ोन आया था, इस तरह से गांव में एक टैलेंट प्रतियोगिता करवाते हैं, वह बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इनके इनवाइट करने पे मैं स्पेशल आया, और इनकी टीम का एक मेंबर भी। इनकी टीम का मेंबर। बिल्कुल। तो बच्चों का एग्जाम लिया, बच्चों के प्रतिभा उभारने का मौका मिला, कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा महसूस होता है, जब भी एजुकेशन की जहाँ पे भी बात आती है, बच्चों की एजुकेशन की खासकर वहाँ पे, और वो भी निस्वार्थ भाव से, तो इंसान खुद को बड़ा गर्वित महसूस करता है। जी, एक और गुड़िया हमारे साथ मौजूद है, सबसे अलग दिखाई दे रही है माला डाल के, क्या नाम है? भूमिका। भूमिका, कौन सी पोजीशन है? सेकंड। कौन सी कक्षा में? 10th। क्या आपको प्राइज मिला? स्मार्ट वॉच। कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चों को क्या कहेंगे जिनकी पोजीशन नहीं आ पाई?
ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो आएगी। ऐसा थोड़ी है कि किसी के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, हर किसी के पास होता है। अपने फील्ड में प्रैक्टिस करो तो मिलेगी पोजीशन। निराश नहीं होना, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। जिसको तो आपकी बार आपकी सेकंड आई है, अगली बार एग्जाम में फर्स्ट पक्का। हाँ। और मेहनत करेंगे। हाँ। आपके साथ कौन है? अंकल आए हैं। अंकल जी, क्या नाम है? तो बच्चे की पोजीशन आई, क्या अच्छा लगा सर? अच्छा लगा, प्राइज भी जीता है। प्राइज भी जीता है, अच्छा है। तो आगे भी पार्टिसिपेट करवाएंगे? आगे करवाएंगे, हर प्रोग्राम में करवाएंगे। यशवंत जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी राव कंवर सिंह मेमोरियल उनकी याद में जो कार्यक्रम का आयोजन करवाया? बहुत अच्छा लगा जी, हम चाहते हैं कि आगे ऐसे करते रहें, बच्चों को वो पार्टिसिपेट करवाते रहें, तो उनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शिक्षा के लिए एजुकेशन में बढ़ते रहेंगे जी, तो प्रोग्राम चलते रहे, अच्छा रहेगा जी। थैंक यू। हमारे साथ और युवा साथी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करें जी। क्या नाम है? संजय यादव जी। संजय यादव, आपका क्या नाम है? प्रमोद। आपका? भगवान सिंह। आपका क्या नाम है? चिराग। चिराग, पूरे दिन से यहाँ मौजूद हैं, कैसा लगा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। यशवंत जी ने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। गांव के हर आदमी ऐसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले तो गांव के बच्चों पर बहुत ज़्यादा विकास होता है, और उनका आगे मेहनत करेंगे तो आगे सब कुछ मिलेगा। तो अपने पिताजी की याद में राव कंवर सिंह उनकी याद में करवाया गया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल राव कंवर सिंह की याद में करवाया गया है, और बहुत अच्छा काम है जी। और यशवंत जी जो वैसे भी सब किसी को मोटिवेट करते रहते हैं, और हमारी जो टीम संजय यादव है, इन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया है, इन्होंने जो करना चाहिए था अपने लायक वो काम किया है जी। हाँ जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार के कार्यक्रम अक्सर करते रहते हैं, और क्या कहेंगे इनको, क्या प्रोत्साहन देना? ये प्रोत्साहन ये है कि हर जैसे ईयरली वाइज ये प्रोग्राम होना चाहिए, और भी बड़े लेवल पे, भी बड़े लेवल पे हम साथ हैं, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इनकी टीम का हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। हाँ बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल। हाँ जी जी, क्या कहेंगे आज कार्यक्रम में, पूरे दिन आपने व्यवस्था देखी? बहुत अच्छा महसूस किया, यशवंत जी ने जो भी प्रोग्राम किया है, इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। गांव समाज में जो भी बच्चों में प्रतिभा होती है वो उभर के सामने आती है, और मैं स्पेशली यशवंत सर का और उनकी पूरी टीम का और टीम संजय यादव का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम में जो अपना सहयोग दिया, आगे भी चल के पूरे गाँव में जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, खेलने वाले, किसी भी क्षेत्र में बच्चों को मोटिवेट करें और इस तरह के प्रोग्राम आगे करवाते रहें जी। सबसे खास बात, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बच्चे को खाली हाथ नहीं जाने दिया, एक तो बच्चों को मोटिवेशन मिला आगे बढ़ने का, क्योंकि बच्चे और प्रयास करेंगे तो अगली बार इनके अलावा और कोई बच्चा भी फर्स्ट पोजीशन पर जरूर रहेगा। इसके अलावा सभी को कॉपी पेन के साथ भी सम्मानित किया गया है, ताकि उनका मनोबल ना गिरे कि हमारी पोजीशन नहीं आई, वो भी मोटिवेट हों और आगे और कड़ी मेहनत करें। इसके अलावा खास बात, जिन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम बोले या फिर जिन्होंने डांस वगैरह पार्टिसिपेट किया, उन बच्चों को भी अलग से प्राइज दिया गया है। इसके अलावा और समाज सेवी लोग भी, हम काफ़ी देर से कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी आए हुए हैं पूरे क्षेत्र के, उन्होंने भी बच्चों को अलग अलग अपने हिसाब से जितना वो कर सकते थे अपनी तरफ से सभी को सम्मानित किया है जी। यशवंत जी, पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सभी ने सराहना की आपकी। इसके अलावा जो समाज सेवी लोग आए हुए थे पूरे क्षेत्र से, जिन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाया, प्रोत्साहन किया, उनको क्या कहें जी? बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, और ऐसे ही मौके होते हैं जहाँ एक दूसरे के सहयोग में साथ खड़े होना होता है, तो उन लोगों ने हमारे साथ खड़े हुए इन बच्चों को हमारे साथ मोटिवेट किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का। ये मेरे छोटे भाई हैं और ये भी मेरे साथ तहे दिल से पहले दिन से इस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे साथ बने रहते हैं हमेशा, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और बहुत मेरे छोटे भाई हैं, बहुत प्यार भी है मुझे इस पर, बहुत गर्व भी है जी। जी क्या कहेंगे? मेरे जो बड़े भाई हैं यशवंत जी, उन्होंने मेरे पापा जी की याद में यह प्रोग्राम करवाया है, ताकि हमारे गाँव में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके। पूरे क्षेत्र के बच्चों ने भाग लिया, तो पूरे क्षेत्र का ही? हाँ, पूरे क्षेत्र के बच्चों ने भाग लिया, आस पड़ोस के सभी गांव के बच्चे थे, बढ़िया प्रोग्राम रहा, और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और लोगों को क्या कहेंगे, अपने पिताजी के आदमी इसी प्रकार या फिर अपने दादाजी जिसकी भी याद में कार्यक्रम कर सकते? मेरे दादाजी तो आर्मी में थे, और मेरे पिताजी थे वो ड्राइवर थे, तो मेरे पिताजी का सपना यही था कि जो भी हो, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे बच्चे अच्छे हों, और मेरे भाई साहब का सपना ये है कि हमारे जो गांव के निचले स्तर के जो बच्चे हैं उनका भी विकास हो सके, जैसे कि जो हाई स्कूल शिक्षा से वंचित रहे, हाँ हाई स्कूल में पढ़ते हैं उनका भी बढ़ सके और उनके पढ़ाई का स्तर ऊँचा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सर।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। पूरे दिन से अपने कार्यक्रम में पूरी व्यस्त रहे हैं, लेकिन अब भी जोश वैसा का वैसा है सभी में। सभी लोगों से बातचीत करवाई राव कंवर सिंह जी की याद में आज का कार्यक्रम किया गया था। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगली बार जल्द ही इससे भी बड़े लेवल पे अगला कार्यक्रम किया जाएगा और बच्चों को भी प्रोत्साहित किया है। ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी जो पहल है यशवंत जी के द्वारा की गई है, उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है और सभी लोगों ने इनके कार्यक्रम की बहुत सराहना भी की है। तो दोबारा फिर मिलेंगे अगले इसी तरीके के कार्यक्रम में, तब तक के लिए देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24। मैं प्रिंस लामा मेरे सहयोगी मानसू लामा के साथ, नमस्कार, जय हिंद।